हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम डेरिवेटिव फ्रॉम इंटरपोलेशन फार्मूलाज। और फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है डेरिवेटिव फ्रॉम इंटरपोलेशन फार्मूलाज में ये वीडियो नंबर 4 है हमारी। इससे पहले वीडियो 3 वीडियो हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला, यानी स्टर्लिंग फार्मूला की हेल्प से किस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। इससे पहले जो वीडियो पढ़ी थी हमने उसमें पढ़ी थी हमने न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला एंड गॉस फॉरवर्ड फार्मूला की हेल्प से हम डेरिवेटिव निकालना सीख चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास स्टर्लिंग फार्मूला। फ्रेंड्स, स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है ये, क्योंकि हम जब स्टर्लिंग फार्मूला से हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमारे पास स्टर्लिंग फार्मूला होना ज़रूरी है। तो स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है, तो स्टर्लिंग फार्मूला पहले हम वो लिख लेते हैं क्या होता है। वो वाई यू बराबर वाई जीरो प्लस यू डेल वाई जीरो प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू यू स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल वन अपॉन टू डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस थ्री सॉरी वाई माइनस टू। उसके बाद यू स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाइज डॉट यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डेल फोर बाई माइनस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास चलता जाता है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझ रहे हैं कि इस किस तरह उसका डेरिवेटिव निकालें। गिवन द वैल्यू ऑफ एम्पेरिकल फंक्शन, कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू दी हुई है किस कोई सर्टन वैल्यू दी हुई है एक्स के फॉर्म के लिए। तो एक्स पर 60 है तो वो फंक्शन की वैल्यू है वो 28.2 है। अगर 75 है तो 38.2 है। 90 है तो 43.2 है। 105 है तो वो है 40.9। 120 है तो वो है हमारे पास 37.7। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टर्लिंग फार्मूला जो होता है उसमें जो डिफरेंस होता है एक्स की वैल्यूज के बीच में वो इक्वल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एग्जांपल था। अब ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में हमारे पास यहाँ पे यू बराबर क्या था, वो था एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। हमने एक्स जीरो क्या सपोज कर लिया, एक्स जीरो अधिकतर हम क्या करते हैं जो मीन वैल्यू होती है, जो मीन एक्स की जो मीन वैल्यू होती है ना, बीच की जो वैल्यू होती है वो देखते हैं, मीडियम वैल्यू। तो ये हमारे पास 90 जो है बीच में है इसमें, तो ये हमने एज्यूम कर लिया। तो यू बराबर एक्स माइनस 90 अपॉन एच, ये हो गया हमारे पास। वेयर एच बराबर 15, तो यू बराबर 0.02। इफ एक्स बराबर 93 पुट करें हम, एक्स बराबर 93 पुट करें तो 93 माइनस 90 अपॉन 15, तो ये हो जाएगा 3/15 जो कि 0.2 आएगा। तो u बराबर आ गया हमारे पास 0.2। अब फ्रेंड्स, हमने फाइनाइट डिफरेंस टेबल बनानी है। तो फाइनाइट डिफरेंस टेबल में अपनी स्टार्टिंग की 3 वीडियो में बताता आया हूँ कि फाइनाइट डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, और इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि फाइनाइट डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो हमें u की यहाँ पे x की वैल्यूज रख ली हमने। x की वैल्यूज के बाद हमने क्या करना है, u की वैल्यू अलग अलग के लिए, जैसे 90 पे क्या है 0, 60 पे क्या आएगा माइनस 2, 75 पे क्या आएगा माइनस 1, 105 पे क्या आएगा 1 एंड 120 पे क्या आएगा 2। इस तरह से u की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद y की वैल्यू या फंक्शन जो fx था उसकी वैल्यू, y बराबर fx है हमारे पास ये, तो fx की वैल्यू 28.2, 60 था तो 28.2 था, 75 था तो 38.2 था। इस तरह से ये वैल्यू पुट कर ली। अब फ्रेंड्स, ये वैल्यू पुट कर चुके हैं तो हमने फर्स्ट डिफरेंस निकाला। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, जो नेक्स्ट जो एफ एक्स डेल एफ एक्स क्या होता है, डेल एफ एक्स जो होता है वो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स निकाले, तो डेल यहाँ पे निकाला तो ये 38.2 माइनस 28.2 ये आ गया 5, इस तरह ये आ गया सॉरी 10, ये आ गया 5। इस तरह इसमें से माइनस किया तो माइनस 2.3, और इसको इसमें से माइनस किया तो माइनस 3.2। उसके बाद डेल स्क्वायर वाई निकाला, डेल स्क्वायर वाई निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना है तो ये आ जाएगा माइनस 5। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 7.3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 0.9। इस तरह डेल क्यूब वाई निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2.3 और ये 6.4, और डेल 4 वाई बराबर आ जाएगा 8.7। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कुछ जो वैल्यूज हमें पता रखनी चाहिए वो क्या है। तो ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास डेल बाई माइनस टू पे, ये डेल बाई माइनस वन पे, ये डेल बाई
जीरो पे, डेल वाई वन पे एंड डेल, ये सॉरी वाई पे, वाई डेल नहीं है, वाई है, वाई एट टू पे। ये हमारे पास डेल वाई माइनस टू, डेल वाई माइनस वन, डेल वाई जीरो, डेल वाई वन, इस तरह डेल स्क्वायर वाई माइनस टू, डेल स्क्वायर वाई माइनस टू सॉरी वन, डेल स्क्वायर वाई जीरो, तो ये हुआ डेल क्यू वाई माइनस टू, डेल क्यू वाई माइनस वन, ये हुआ डेल फोर वाई माइनस टू। ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू है हमारे पास। अब फ्रेंड्स ये सारी वैल्यूज हमें क्या करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो जब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हम ये पुट कर रहे हैं, अभी पुट नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडिंग फॉर्मूला है। अभी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले इसको हमने डेरिवेटिव निकाला है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये कॉन्स्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो ये पार्ट तो कॉन्स्टेंट है, ये यू है, तो यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन, तो डेल बाई जीरो अपॉन प्लस डेल बाई वन अपॉन टू, जो कि ये आ गया हमारे पास। फिर इसका क्या, तो टू यू अपॉन टू आएगा, तो यू और ये आ जाएगा फंक्शन डेल बाई डेल स्क्वायर बाई माइनस वन। इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं, तो यू यू स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल स्क्वायर बाई माइनस वन डेल सॉरी डेल क्यू बाई माइनस वन डेल क्यू बाई माइनस टू, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। और इस तरह से ये आ गया, फिर ये जो वैल्यू है हमारे पास बाई माइनस वन है, तो ये हो गया हमारे पास। अब जब ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, अब हम पुट करना है u बराबर 0.2 इन इक्वेशन 2। अब इसमें हमें हमारे पास u बराबर 0.2 पुट करेंगे और बाकी वैल्यू जो हमें टेबल से पुट करनी है। तो जैसे यहाँ पे तो हमें सिंपली डेल बाई जीरो प्लस डेल बाई माइनस वन, तो डेल बाई जीरो क्या है, डेल बाई जीरो ये रहा और डेल बाई माइनस वन ये रहा, तो माइनस 2.3 प्लस 5, माइनस 2.3 प्लस 5.2। उसके बाद हमने क्या 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 निकल लिखना है, डेल स्क्वायर बाई माइनस वन, तो डेल स्क्वायर बाई माइनस वन क्या रहा, ये रहा हमारे पास माइनस 7.3। उसके बाद क्या है हमारे पास, डेल स्क्वायर बाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर बाई माइनस टू, तो ये तो हमारे पास है ही, इसमें जीरो वैल्यू पुट करेंगे और डेल स्क्वायर बाई माइनस वन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई माइनस टू, तो डेल स्क्वायर बाई माइनस टू तो माइनस वन, माइनस वन डेल क्यूब में बात करें प्लस डेल क्यूब हो गए, ये डेल क्यूब है, तो ये डेल क्यूब बाई माइनस वन डेल क्यूब बाई माइनस टू, ये आ गया हमारे पास 6.4 माइनस, ये आ गया यहाँ पे वैल्यू पुट की तो माइनस 2.3 प्लस 6.4 ये आ गया। और इस तरह से यहाँ पुट की तो हमारे पास ये आ चुका है। अब फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई डैश एट 0.2 पे माइनस 0.5407। बट फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास डी बाई एट डी यू पे वैल्यू है, बट हमें क्या चाहिए, डी वाई डॉट डी एक्स चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डी यू अपॉन, चूँकि यू बराबर क्या है एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एक्स, तो यहाँ से डी यू अपॉन डी वाई बाई के करस्पॉन्डिंग इसको बाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/h डी एक्स अपॉन डी वाई। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम निकाल, हमें क्या निकालनी है, हमें वैल्यू चाहिए, वो चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसको इधर ले गए, डी वाई को इधर ले जाएँ हम और इसको नीचे ले आए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम इधर ले जाएं तो ये डी वाई और डी यू, यानी कि ये टर्म जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास। या फिर हम यहाँ समझना चाहें तो इसको इस तरह से समझना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन सॉरी डी यू अपॉन डी वाई, पहले क्या क्या हमने इसका उल्टा कर लिया है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स सॉरी डी वाई, ये फ्रेंड्स हमने इसका उल्टा किया है, तो ये आ गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी यू और इक्वल टू एच डी वाई अपॉन डी एक्स, बट हम चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से एच को डिवाइड कर दिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया 1/h डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एच की इस वैल्यू को अगर हम एच से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास वाई डैश एट 9.3 आ जाए 9.3 पर आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस 0.036271। फ्रेंड्स अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो है 9460689761 एंड मेरी ईमेल आईडी है वो है हमारे पास, ईमेल आईडी मेरी hitesh@gmail.com। तो फिर से आप मुझसे कहीं भी
मैसेज कर सकते हो या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये डाउट्स है, मैं आपको डाउट्स एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।